हेलो नमस्ते जय हिंद। व्लॉग नहीं है ये, रेसिपी वीडियो है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मोमो और डिमसम दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मोमो डिमसम हो सकता है लेकिन डिमसम मोमो नहीं हो सकता। आई नो यू गॉट कन्फ्यूज्ड, मैं बताने वाली हूँ इसका अंतर। एक्चुअली क्या होता है कि जो मोमो होता है वो आपको इंडिया में कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी ठेले पर मिल जाएगा, लेकिन जो डिमसम होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइन डाइन रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। और ये 5 डिमसम्स आपको लगभग 500 से 2000 के पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिलिंग्स। जी हाँ, ये बात सच है, एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन सच है। तो आज ये रेस्टोरेंट की महंगी वाली डिश मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए घर पे। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ मेरे किचन में शुरुआत करते हैं रेसिपी। यहाँ ले लिया है मैंने 1.5 कटोरी मैदा। नहीं, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ डिमसम एंड मोमो कि डिमसम का जो डो होता है वो तैयार होता है स्टार्च से। स्टार्च यानी कि कॉर्न स्टार्च, व्हीट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, एनी ऑफ द स्टार्च यू कैन यूज़। यहाँ पर मैंने व्हीट स्टार्च का यूज़ किया है जिसे हिंदी में आरा रोट बोलते हैं। इस स्टार्च में हमें बिल्कुल बॉइलिंग वाटर डाल के इसका एक डो बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर हाथों की जगह कांटे या चम्मच का यूज़ करूँगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसको गरम गरम ही मारना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, इसको आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक जब तक मैं इसको कांटे और चम्मच से मार रही हूँ तो आप सोचो कि मोमो और डिमसम का दूसरा डिफरेंस क्या होगा। अब हो चुका है ये थोड़ा ठंडा, तो मैंने इसको बर्तन से निकाल के साफ प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए मार लेना है। और उसके बाद जब मुझे लग रहा है कि ये डो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, हाथों पे चिपकना छूट गया है, तो इसे एक छोटे बर्तन में रख के 10 मिनट तक कवर अप करते हैं। जब तक ये कवर है तब तक बनाते हैं हम अपनी फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कैबेज और ले लिया है मैंने अनियन। अनियन और कैबेज की फिलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा बेसिक फिलिंग है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होती है, टेस्टी होती है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पनीर, कॉटेज चीज़ जिसको बोलते हैं। उसमें मैंने डाला MSG यानी कि अजीनोमोटो, आप चाहते हो तो स्किप कर लेना। और उसके बाद मैंने डाला सरसों के तेल में फ्राई किए हुए लहसुन और उनका पेस्ट। सरसों के तेल में फ्राई करने से क्या होगा कि वो पूरा तेल जो है ना वो फ्लेवराइज्ड हो जाएगा विद गार्लिक, और वो तेल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और हमारी फिलिंग में एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। और मैंने उसमें डाला है नमक, और मैंने यहाँ पर डाली है रेड वाली बेल पेपर्स। मेरे पास एक ही थी तो मैंने बस उतनी ही डाली। उसके बाद मुझे कलरफुल चाहिए फिलिंग, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, गाजर को ग्रेट किया है और उसके ऊपर डाल दिया है। आप देखो हमारी कलरफुल फिलिंग एकदम तैयार है, लग रही है ना मस्त। पता था आप नहीं सोच पाओगे, चलो मैं ये बता देती हूँ। द सेकेंड डिफरेंस ऑफ मोमो एंड डिमसम इज़ कि मोमो जो है वो तिब्बत की डिश है एंड डिमसम इज़ इन्वेंशन ऑफ चाइना, या आप कह सकते हो अनऑफिशियल
नेशनल डिश ऑफ चाइना इज डिमसम। डिमसम को चाइना में स्नैक्स के रूप में खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं, बस बहुत ही लाइट स्नैक्स के रूप में, वेजीज से भरा हुआ होता है। जबकि मोमोज को हम खाते हैं तब तक जब तक हमारा पेट और मन दोनों ही नहीं भर जाते। तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से, बीच से मोटा, किनारे से पतला रखते हुए हमने इसको बेल लेना है, और किनारियों पर हल्का सा पानी लगाना ज़रूरी है इसको बंद करने से पहले। यहाँ पे मैं फोक की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले काफ़ी डिमसम्स मेरे ख़राब हो चुके थे दोस्तों। मतलब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये वाला डिमसम क्यों ट्राई नहीं किया। ट्रायंगुलर शेप का डिमसम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी टू मेक है, कोई भी बना सकता है इजीली, मेरे बच्चे भी बना लेंगे। और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने अपने पहले के बहुत सारे डिमसम्स जो है उनकी शेप ख़राब कर दी और वो टूट गए, बिकॉज़ इट इज़ ऑफ स्टार्च। स्टार्च में बाइंडिंग नहीं होती है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो बहुत हल्के हाथों से आपको अपना काम करना है, फिनिशिंग आनी चाहिए, तभी लगेगा भाई महंगी वाली डिश है। और ये बनाते हुए मुझे सच में अंदाज़ा हो गया कि ये इतना महंगा क्यों मिलता है। देखो अभी भी आपको दिख रहा होगा उसमें थोड़ा सा छेद हो चुका है। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर अपना मोमो का स्टीमर, और उस पर मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने एक सिंपल प्लेन शीट बिछा कर उसको ऑयल से कर लिया है रब, ताकि ये मेरा बटर पेपर का काम करेगा। और उसको कर दिया है मैंने अब स्टीम। So after 10 minutes, we'll watch. Just look at the beauty of it and the transparency. Wow! इससे भी ज़्यादा transparent होते हैं dimsums जो आपको fine dine restaurant में मिल जाएंगे, तो ज़रूर try करना, worth it है। नहीं बने तो कोई बात नहीं, बार बार देख लो video। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। अगर video पसंद आता है तो like, comment करना ज़रूर। नहीं भी करोगे तब भी मैं आपका क्या कर सकती हूँ। Thank you so much for watching. Bye bye. जय हिंद।